नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज के एक और खास खबर में। दीपावली का त्योहार नजदीक है और ऐसे में प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। आपको बता दें कि त्योहार के मद्देनजर जिलाधिकारी के निर्देश पर प्रशासन ने आखिरकार आतिशबाजियों के लिए स्थान चयन कर लिया है। लंबे समय से दिवाली में पटाखा बाजार को लेकर असमंजस बना हुआ था, लेकिन अब आखिरकार पटाखा बाजार को लेकर तस्वीर साफ हो गई है कि आखिर हल्द्वानी में किन विभिन्न स्थानों पर पटाखा की बाजार लगाई जाएगी। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं पटाखा बाजार को लेकर हल्द्वानी की सिटी मजिस्ट्रेट का क्या कुछ है कहना। की बात कर रहे हैं, उसमें कुछ स्थान, इसमें फायर के अधिकारी मैं और अजीम साहब, हमने एक संयुक्त निरीक्षण करके इसमें स्थान चिन्हित किए हैं जो पूर्व में चिन्हित होते हुए आए हैं, जिसमें कि हमारा ऊंचा पुल का रामलीला ग्राउंड है, शीश महल का रामलीला ग्राउंड है, MB इंटर कॉलेज की भूमि है। इसके अलावा शहर के बाहर अन्य सभी जो स्थान हैं उनको चिन्हित किया गया है। ये पूर्व में भी चिन्हित किए गए थे। इन स्थानों पर मानकों के अनुरूप अस्थायी रूप से पटाखा बाजार लगाने की अनुमति दी जाएगी। मैडम, वहीं बात करी जाए जो रोडों में जो पटाखे के बाजार लगाया करते, रोडों पर दुकानें लगाया करते, जैसे लाल लाट पर लगती थी, अन्य जगह लगाई जाती थी, तो उनमें क्या कुछ कार्रवाई होंगी जो रोड में जो लगाएगा उनके लिए क्या? देखिए, ऐसे रोड पर मानकों के विपरीत कोई भी दुकान लगाने की अनुमति नहीं है। खुले एरिया में, यदि दूरस्थ क्षेत्र में कोई व्यक्ति खुले खेत में कोई दुकान लगाता है, उसमें फायर अपनी अनापत्ति देता है, तभी उसको अनुमति दी जाएगी। तो एक खबर तैयार की थी हल्द्वानी से हमारे संवाददाता दीपक अधिकारी ने। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। नमस्कार।